हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स माय नेम इज़ डॉक्टर संजय पटेल एंड दोज हुआ न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो आपके नीट और जेई मेंस के रिगार्डिंग है तो आपके एच आर डी मिनिस्टर आर पी निशांक की तरफ से एक ट्वीट आया था सिंस पेरेंट एंड स्टूडेंट हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू देम यूनियन एच आर डी मिनिस्टर डॉ पी निशांक हैज डायरेक्टेड टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू पोस्टपोन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एंड जई मेन्स टिल लास्ट वीक ऑफ मे तो इस ट्वीट में आर पी निशांक जी ने कहा था कि नीट एग्जाम को और जेई मेन्स के एग्जाम को लगभग लास्ट वीक ऑफ मे तक पोस्टपोन कर दिया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन तब आई थी जब आपका पहला लॉकडाउन हुआ था जो कि फोर्टीन अप्रैल को ख़त्म होना था ठीक है और ये ट्वीट उनका है सत्ताईस मार्च का यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है सत्ताईस मार्च का ट्वीट है और ये पूरा ऑफिशियल है इसमें कोई फेक डाटा नहीं है तो इसमें उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम को लास्ट वीक ऑफ मे तक पोस्टपोन किया जाए क्योंकि उन्होंने चौदह अप्रैल को लॉकडाउन को दिमाग में रखते हुए ये बात बोली थी ठीक है कि चौदह अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उस हिसाब से एग्जाम हम लोग लास्ट वीक में मे के लास्ट वीक में हम लोग करा लेंगे ठीक है उसके बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में ठीक है तो वहाँ पे उन्होंने बोला अब लॉकडाउन टू पॉइंट वो आ गया ठीक है लॉकडाउन फोर्टीनथ अप्रैल को ख़त्म नहीं हुआ तो वहाँ पे कई मुद्दों पे बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जेई मेंस का एग्ज़ाम तो हम करा लेंगे जून तक करा लेंगे लेकिन नीट के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं था उस टाइम ठीक है जेई मेन्स के बारे में उन्होंने कहा था कि हम जेई मेन्स का एग्ज़ाम जून में करा लेंगे लेकिन नीट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे उसके बाद बताएंगे कि क्या होना है नीट का एग्ज़ाम कब कराएंगे अब देखिए कई लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जेई मेंस का एग्जाम पहले ही क्यों होता है पहले नीट क्यों नहीं होता है? तो जेई मेंस में दो पेपर होते हैं और उसके बाद एडवांस का भी पेपर होना होता है और तीसरी बात ये कि उसमें पाँच राउंड काउंसिलिंग होती है ठीक है फाइव राउंड्स काउंसिलिंग होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए उस एग्ज़ाम को पहले कराया था जबकि नीट एग्ज़ाम आपका सिंपल दो प्रोसेस होते हैं उसमें एक तो एग्ज़ाम करा लिया जाता है और दूसरी बात दो काउंसिलिंग होती है तो उसमें एडमिशन ख़त्म हो जाते हैं तो उसका सिंपल प्रोसेस थोड़ा नीट का जेई मेन्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो नीट थोड़ा सिंपल है तो इसलिए जे इम का एग्जाम पहले कराना होता है उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है पूरा प्रोसीजर उसका काउंसलिंग से लेके और लास्ट एडमिशन तक काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए उसको पहले कराया जाता है और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह के चक्कर में आप मत पढ़ो कि नीट का सिलेबस चेंज हो गया है नीट होगा ही नहीं बोर्ड के नंबर्स के हिसाब से आपको सीट दे दी जाएगी तो इन सब न्यूज़ के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है जो ऑफिशियल चीज़ें हैं बस उन्हीं को आप मानिए उन्हीं को देखिए और केवल और केवल ऑफिशियल न्यूज़ चैनल के, न्यूज के हिसाब से आपको चलना है ठीक है जो भी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पर आ रहा है बस वही आपको देखना है ठीक है अफवाहों के चक्कर में नहीं पढ़ना है अब दूसरा एक आपके पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ये एन में इंटरव्यू हुआ था एक ऑफिशियल्स का एन डी ऑफिशियल्स का का उनका इंटरव्यू हुआ था एन में तो उन्होंने कहा था कि जेई मेन्स एंड नीट एग्ज़ाम लाइकली टू बी हेल्ड इन जून ऑफिशियल्स ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है तो एन में उन्होंने बोला था कि हम नीट और जेई मेन्स का एग्ज़ाम जून में करा लेंगे और ये भी इन्होंने इसमें कहा था कि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि हम लास्ट वीक ऑफ मे में, में एग्ज़ाम करा लेंगे लेकिन वो हमने तब कहा था जब हमारे दिमाग में ये था कि फ़ोर्टीनथ अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा लेकिन जब लॉकडाउन फोर्टीनथ अप्रैल को नहीं ख़त्म हुआ थ्री मई तक एक्सटेंड कर दिया गया तो उसके हिसाब से फिर से सारी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब हम एग्ज़ाम जून में कराएंगे ठीक है तो जे ईम का एग्ज़ाम पहले उन्होंने बोला था हम कराएंगे उसके बाद नीट का एग्ज़ाम आपका हम करा लेंगे जून में ही ठीक है दोनों एग्ज़ाम जून में कराने की बात कही थी एन टी ए के ऑफिसियल्स ने ठीक है एन डी टी वी में एक इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने बोला था कि हम नीट और जेई मे का एग्ज़ाम जून में करा लेंगे ठीक है ये उन्होंने बोला था सो so, उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए फिर यही बात कही कि अगर लॉकडाउन थ्री मे को ख़त्म होता है तब ये सारी चीज़ें लागू होंगी कि हम जून में एग्जाम करा पाएंगे ठीक है अगर आपका लॉकडाउन थ्री मे के बाद भी एक्सटेंड होता है तो फिर ये सारी स्ट्रेटजी फिर से चेंज करनी पड़ेगी और इतना तो आप खुद भी समझदार हो या समझ सकते हो कि जब लॉकडाउन थ्री मे को ख़त्म नहीं होगा तो जो स्ट्रेटजी अब थ्री मे को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है तो उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा जैसे कि आपने अपना चेंज किया ठीक है आपने भी तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी आपकी सारी स्ट्रेटजी थ्री मे के हिसाब से चल रही थी लेकिन एक महीना पहले ही आपको पता चल गया कि थ्री मे को आपका एग्जाम नहीं होना है तो उस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी पढ़ाई करने की तो ऐसे सारी जगहों पर तो होता है तो एन वाले भी यही करेंगे ठीक है अगर अब थ्री मे को ख़त्म होता है तो उस हिसाब से सारी स्ट्रेटी उन्होंने तैयार कर ली है अभी फिलहाल तो और अगर तीन मई के बाद फिर से अगर एक्सटेंड होता है लॉकडाउन तो फिर से वो लोग जितना दिन एक्सटेंड होगा उतना दिन फिर से बढ़ा लेंगे कि नहीं हमको इतना दिन तो चाहिए ही क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम कराना इतना बड़ा एग्जाम है तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ही ठीक है कि इतना टाइम हमको चाहिए सारी तैयारी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी है यहाँ पे कि अगर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं थ्री मई तक ये भी ट्वीट करके बताया था एच मिनिस्टर जी ने कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं थर्ड मई तक ठीक है तो अब अगर मेरा ओपिनियन आप पूछो कि आपके हिसाब से एग्ज़ाम कब होगा तो मेरे हिसाब से जेई मेन्स का एग्जाम हो जाएगा आपका मिड जून तक ठीक है टिल मिड जून तक हो जाएगा जेई मेन्स का एग्ज़ाम और आपका नीट का एग्ज़ाम हो सकता है लेट जून में हो या फिर अर्ली जुलाई तक जा सकता है अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब फोर्टीनथ अप्रैल को आपका लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था तब तो वहाँ से एन ने 45 दिन लगभग लिए थे ठीक है उन्होंने कहा था लास्ट वीक ऑफ मे तक हम एग्ज़ाम कराएंगे तो इसका मतलब उनको सारी तैयारी करने के लिए 45 दिन चाहिए तो अगर आपका थ्री मे को लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वहाँ से भी पैंतालीस दिन ही चाहिए होगा उनको तो अगर पैंतालीस दिन ऐड करोगे तो वो लगभग लास्ट जून तक जाएगा ठीक है लेट जून या फिर अर्ली जुलाई तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है और ये सारी बातें मेरी गलत भी हो सकती हैं तब जबकि आपका लॉकडाउन थ्री मे को ख़त्म नहीं होगा तो अगर लॉकडाउन थ्री मे को ख़त्म हो जाता है तब तो ये आपका एग्ज़ाम लेट जून तक या अर्ली जुलाई तक हो जाएगा अगर लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड होता है तो फिर ये बात की बात होगी तो वो तब देखा जाएगा ठीक है अभी फ़िलहाल अगर लॉकडाउन थ्री मे को ख़त्म होता है तो आपका एग्ज़ाम लेट जून तक या अर्ली जुलाई तक हो सकता है तो इस बुलेटिन में इतना ही रखेंगे बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू